देश में करीब 17 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को खतरनाक बताया है जिसमें पीएमएलए में किए गए संशोधनों को बरकरार रखा गया है। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, सीपीआईएम, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल सहित कुछ अन्य पार्टियों ने हस्ताक्षर करके अपना बयान जारी किया है। इसमें लिखा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गहरी चिंता जाहिर करते हैं और हमें उम्मीद है कि यह खतरनाक फैसला बहुत कम समय के लिए होगा और संवैधानिक प्रावधानों की जीत होगी। गौरतलब है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी द्वारा की गई कार्रवाई, ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी, जब्ती और जांच को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को फैसला सुनाया था, जिसमें पीएमएलए मामलों में ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा गया था। इसी फैसले की समीक्षा के लिए विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। पीएमएलए एक्ट क्या है? पीएमएलए एक्ट एक ऐसा कानून है जो भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसता है। यह कानून एनडीए के शासनकाल में 2002 में बनाया गया था, हालांकि इसे 2005 में कांग्रेस के शासनकाल में लागू किया गया था। ईडी को ये 3 अधिकार देता है पीएमएलए एक्ट। एजेंसी भ्रष्टाचार के आरोपियों को सीधे गिरफ्तार कर सकती है। भ्रष्टाचारियों के घर छापा मारने और उनकी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार होता है। करप्ट नेताओं, अफसरों पर ईडी सरकार की अनुमति के बिना केस चला सकती है।